सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। दिन दहाड़े हुई सर्राफा व्यापारी के सोना की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट के अंतर्राज्यीय गिरोह के दो गिरफ्तार। 15 लाख रुपए की कीमत का सोना बरामद। सर्राफा व्यापारी से 25 से 30 लाख रुपए की कीमत का सोना लूट ले गए थे बदमाश। छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने दिसंबर में हुई सर्राफा व्यापारी से 25 से 30 लाख रुपए की कीमत के सोने के लूट का खुलासा करते हुए करीब 15 लाख रुपए की कीमत का सोना बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और लूट का मैन सरगना जो जबलपुर का रहने वाला है उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके एक साथी को, जिनसे कई चोरी और लूट की वारदातों का जाहिर होने की संभावना है। आरोपियों ने अभी सिविल लाइन थाना अंतर्गत 3-4 चोरियों को कबूल किया है। हम आपको बता दें कि यह शातिर बदमाशों का गिरोह अंतर्राज्यीय लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और इनकी तलाश कई राज्यों की पुलिस को है। एक आरोपी की रिश्तेदारी है तो वो जब यहाँ के रुका तो उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सिविल लाइन क्षेत्र की और शहर की कुछ महत्वपूर्ण चोरियों की वारदात भी इनसे खुलने की उम्मीद है। कुछ दो वारदातें अभी सिविल लाइन की खुल भी गई है। कुल मिला के ये एक टीम वर्क था जिसमें पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से काम की। इसको एक टास्क की तरह लिया, एक इसको चैलेंज की तरह लिया और नतीजा जो है एक इस सफलता के रूप में मिला है। इसमें चूंकि बड़ा काम हुआ है, माल भी अच्छा बरामद हुआ है, अतः इसमें जो इनाम के लिए मैं अपने स्तर से नहीं देते हुए आईजी सर सागर जोन की और पूरे टीम के लिए रिवार्ड के लिए मैं भेज रहा हूँ। सर ने मुझे बता दिया है फोन पे कि इनको एक अच्छा खासा नकद पारितोषिक दिया जाएगा और कुल मिला के जो छतरपुर पुलिस के लिए पिछले साल का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो सफलता आज मिली। तो बधाई हो सबको बहुत ज्यादा और काफी जगह। हाँ, ये क्या है, इनकी कई जगह वारदात करते रहते हैं और दीगर जिलों में भी इनके अपराध है, दीगर जिलों में भी इनकी तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा, तो उसके पीछे एसओजी लगी हुई थी इन सब पीछे। चलिए, इसका कितना डेवलप हुआ, वो पीछे पड़े रहे, पूरा फॉलो करते रहे और हम लोगों ने भी संकल्प ले लिया था कि इसको खोल के ही रहेंगे चाहे कैसे भी। अब पूरी शक्ति लगाई, मतलब पूरे संसाधनों का एसपी साहब द्वारा, एडिशनल साहब, सीएसपी साहब, सबने मतलब पूरे संसाधनों का हम लोग उपयोग करने की, चाहे हर तरह से टेक्निकल हो चाहे ट्रेडिशनल हो, हर तरह से। इसके बाद ये सफलता हासिल। सबने बताया कि अभी हम लोग 20 से 25 दिन बाहर अदर जिलों में, अदर डिस्ट्रिक्ट में और अदर स्टेट में पड़े रहे और जैसे अपने पूरे तरफ इंदौर, ललितपुर, झांसी, बीना, सागर और दतिया, ग्वालियर, अहमदाबाद, 4-5 राज्य आप लोगों ने किए हैं और सब लोगों का मार्गदर्शन एसपी आदरणीय एसपी साहब आदरणीय सीएसपी और पीआई साहब का मार्गदर्शन हमें सब मिलता रहा। हम लोग वहाँ काम करते रहे और करीब 2.5 महीने हमारे हम लोगों को सफलता मिली है। जैसे सर ने बताया 2-3 आरोपी बचे हुए हैं, उसमें हमारी टीम लगी हुई है। मेरे साथ में कितने पैसे की लूट हुई, 25 से 30 लाख के बीच की लूट हुई। तो ये जो माल बरामद हुआ है, ये माल आप लोगों ने देख लिया, कितने का माल बरामद हुआ है? अभी सर ये तो उसका आधा माल भी नहीं है, कुछ एक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, साफ का कहना है। तो चोरी का खुलासा होने पर कैसा महसूस हो रहा है? चोरी का खुलासा होने पर सर खुशी महसूस हो रही है और हमारे जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के ऊपर मुझे पूरा भरोसा था। एक्चुअली अपने छतरपुर के पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा था, जो अपने टीआई साहब कमलेश साहू जी, उनने मतलब पूरी 101% मेहनत करके अपने पूरी टीम के साथ में ये सफलता हासिल की है। मतलब सफलता काबिले तारीफ है। 18 तारीख को सर्राफा व्यापारी के साथ एक सनसनीखेज वारदात हुई थी गत वर्ष 18 दिसंबर को, उसका आज खुलासा हुआ है और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गिरोह था ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह था जिसमें एक जो मास्टरमाइंड है वो जबलपुर का रहने वाला है, 3 आरोपी जो हैं वो दतिया के रहने वाले हैं और 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने घटना से पहले इस सर्राफा व्यापारी की पूरी रैकी करके और शाम के समय जब वो अपने घर आ रहा था घटना को अंजाम दिया था। इन्होंने उसके हाथ में डंडे से चोट की थी जिसे फ्रैक्चर भी आया था और इसके बाद ये
फरार हो गए, जिसमें दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीन आरोपी अभी इसमें शेष हैं। घटना में जो माल गया था उसमें से लगभग 15 लाख रुपए के जेवरात इसमें बरामद हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गैंग ने छतरपुर शहर में कई चोरियों को भी अंजाम दिया था और उसमें से भी ये हमें ऐसा लग रहा है कि कई चोरियाँ जो हैं खुलेंगी। कुल मिला के एडिशनल SP, CSP, TI, सिविल लाइन्स और उनकी पूरी टीम ने लगभग 2.25 महीने मेहनत लगातार की, सैकड़ों की संख्या में CCTV देखे, टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया और इस गिरोह को पकड़ा है। और इसमें इनको पारितोषिक के लिए IG सर ने घोषणा की है, उनके पास इसका प्रतिवेदन भेजा जाए।